بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون محترم حضرات बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों पर्दा नशीन ख़वातीन माओ और बहनों तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए हैं जो हम तमाम का खालिक है मालिक है। अल्लाह तबारक ताला ने क़ुरान मजीद में जगह जगह अपने बंदों को हुक्म दिया है। अल्लाह के बंदे आप और हम हैं जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करो, अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करो, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना बयान करो। और कहा जैसे सहाबे रसूल अब्दुल्लाह बिन बुस्र सहाबे रसूल हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम वारदा, बिल्कुल बूढ़े हैं, हाथ पैर कमज़ोर हैं, कपकपाता जिस्म हैं, दरबार रिसालत में हाजिर होते हैं। अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, या रसूल अल्लाह क़द कसरत अलैय शराया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन के जो शरीयत के जो मसाइल हैं, शरीयत की जो बातें हैं, मेरे ऊपर अब बहुत बोझ बन गई। यानी वो अपनी जगह ठीक हैं लेकिन मेरा जिस्म अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ पैर लरसते हैं, बीमार हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या मशवरा दिया होगा, कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई ऐसी बात बता दें कि मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ। इस उम्र में जब तक मेरे हाथ पैर मजबूत थे, अल्लाह ने मुझे सेहत दी थी, अल्लाह ताला ने मुझे तंदुरुस्ती दी थी, मैं अल्लाह ताला के सामने सजदरेज रहा। अब जब मेरी ताकत कमज़ोर है, आप ऐसी कोई बात बता दें कि मैं अल्लाह ताला को आखिरी दम तक अल्लाह ताला को राज़ी करते रहूं। और कहा थोड़ी हल्की सी बात बताइए, आप मेरी हालत देखते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा होगा, इस जवाब का इंतज़ार हम में से हर उस शख्स को है जिसकी यह हालत होगी, जो हालत अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। उन्होंने कहा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया, ला यज़ालु लिसानुका रुतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, ऐ प्यारे सहाबी, ऐसा हो कि आपकी जबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। इतना तो कर सकते हो, भले जिस्म कमजोर हो जाए, जिस्म में तंदुरुस्ती ना हो, सेहत ना हो, जबान से जिक्र तो कर सकते हो। दोस्तों अजीजों, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा था अपने प्यारे सहाबी अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए।
और हम में से हर एक के बूढ़े बाप के लिए, हर एक उम्र रसीदा बंदे के लिए जिसकी हालत हो चुकी है, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की उबूदियत और बंदगी हमारे साथ लगी हुई है आखिरी दम तक। वाउसानी बिस्सलाति वज़्ज़कति मा दुमतु हय्या, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे जिस्म में जान हरकत कर रही है। वाउसानी बिस्सलात, अल्लाह ताला ने मुझे इबादत और बंदगी का हुक्म दिया, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। मा दुमतु हय्या, जब तक के मैं जिंदा हूं। तो तारीफ, तौसीफ, तस्बीह, तकदीस सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए, और दरुद व सलाम हो मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बुज़ुर्गो, दोस्तों, अजीज़ों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, जुमे का खुतबा बड़ा ही मुख्तसर होता है और दोनों की जिम्मेदारी होती है, सुनने वालों की, सुनाने वालों की। अगर सुनाने वाला खतीब, वाइद, मुबल्लिग अगर एक बात भी ऐसा कह दे जिससे आपको फ़ायदा ना हो, आपका वक्त बेकार जाए, कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेंगे, मेरे बंदों का ये वक्त ज़ाय क्यों हुआ, मेरे बंदे इबादत गाह में थे, ऐसी गलत बात क्यों कही गई, ऐसी बात क्यों कही गई जिससे उन्हीं कोई फ़ायदा ना हुआ। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि ला, अल्लाह तबारक व तआला जो करेंगे वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला के पास पूछे जाएंगे। तो बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, फिर एक बार हम अपनी बात पर आते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अच्छी बात इन्हीं आंसुओं के ताल्लुक से बताई। आज जुमे के खुतबे में बस इन्हीं आंसुओं के ताल्लुक से हम कुछ बातें करेंगे। हमारे आंखों में जो आंसू होते हैं, हमारे लबों पर जो हंसी होती है, ये अल्लाह तबारक व तआला की नियामत है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى। वही अल्लाह है जो आपको हंसाता भी है, रुलाता भी है। हंसना भी नेमत है, रोना भी नेमत है। हम में से कितने ऐसे हैं, मैं अपने आप से, आप अपने दिल से पूछें, अपने नफ्स से पूछें कि कौन सा वो दिन था, कौन सी वो घड़ी थी जिसमें अल्लाह ताला की जहन्नम को याद करके, अल्लाह की आजमत को याद करके, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद करके, सहाबा इकराम की जाफशानियों को याद करके, मुसलमानों की हालत जार को देखकर आपके और मेरे आंखों से कभी आंसू निकला? क्या आपको याद है वो दिन कौन सा था, वो घड़ी कौन सी थी जिस दिन हमने कभी रोया था? क्या ऐसा हुआ कि बरसों गुजर गए, मुद्दत बईद गुजर गई, हमारे दिल से कभी आंसू नहीं निकला? आंसू जरूर निकलते हैं, अपने कुछ हालात के लिए निकलते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह के रसूल सल्लम की सीरत मुबारका में, सहाबा इकराम की जिंदगियों में आंसू निकले तो कहां कहां निकले। अगर हमारे दिल से आंसू नहीं निकलते हैं तो क्यों नहीं निकलते हैं? इसीलिए कहा कि बंदे पर सबसे बड़ा आदाब यही है कि उसके आंखों से आंसू ना निकले। अल्लाह, हम बंदों के लिए सबसे बड़ा आदाब, अल्लाह तबारक ताला की तरफ से सबसे बड़ी नकमत, सबसे बड़ी इब्तला और आजमाइश ये है कि हमारे आंखों में आंसू सख्त हो जाएं। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं, फवैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, बुरा हो उन दिलों का जो अल्लाह के जिक्र से सख्त हो चुके हैं। सीनों में दिल सख्त हैं, आंखों में आंसू मुंजमिद हैं, जम चुके हैं, अब इन आंखों से आंसू नहीं आते। आते हैं तो अपनी जरूरत के लिए आते हैं। कहा अल्लाह तबारक तआला ने मुनाफिकीन, यहूदियों की हालतें बताते हुए कहा, तुम मकसद कुलूबुकुम मिन बाद ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه। कहा कि ऐ लोगों, इन मुनाफिकों और इन यहूदियों के सीनों में जो दिल हैं वो पत्थर से ज्यादा सख्त हैं, पत्थर। व इन मिन الحجاره لما يتفجر منه الانهار, पत्थर तो ऐसे हैं कि उनमें से कभी पानी की नहरें बहती हैं, लेकिन इन सीनों से कुछ नहीं बहता।
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں اور کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور کبھی پھٹ پڑتے ہیں لیکن اگر سینے میں دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دل مردہ ہے. دوستو عزیزو, پردہ نشین خواتین, ماں اور بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کی باتیں بتائیں تو کہا یہ انبیاء کرام ایسے تھے جو اللہ کے بارگاہ میں روتے تھے, ان کے آنکھوں سے آنسو آتے تھے. اللہ کے بارگاہ میں رونے کی عادت کو اچھا بتلایا گیا اور قرآن میں جگہ جگہ آیتیں بتلائی گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون. اے لوگو, تم بھی کیسے لوگ ہو, تضحكون ہستے ہو, ولا تبكون روتے نہیں ہو, وانتم سامدون اور تم ہو کہ چپ چاپ اپنی زندگی میں مست ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا نہ کرو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. ہم نے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو لیتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے روتے تھے, اس سے پہلے آپ کے کیا الفاظ تھے, رونے آنسوؤں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی باتیں کہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہیں. ہم ہنسی دیکھتے ہیں تو پیارے نبی کی ہنسی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں مسکرایا, اور رونا دیکھتے بھی ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں رویا. وہ مکے کی گلیاں ہوتی تھیں, کبھی سوق رکاس کا بازار ہوتا تھا, کبھی ذل مجنہ کا بازار ہوتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو دیکھتے کہ کبھی بلال حبشی ستائے جا رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے. عمار, یاسر اور یہ سارے خاندان کو ستایا جا رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلتے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. اے یاسر کے خاندان والوں, صبر کرو, تمہارا بدلہ جنت ہے. کیا تکلیفیں تھیں, کیا اذیتیں تھیں. میرا کہنا آسان ہے, آپ کا سننا آسان ہے, لیکن ان صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کھالیں جن کی جسموں سے نکل گئیں, جھلسا دی گئیں, اور ایسے کہ اتنی تکلیف کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو ٹپک پڑے, رونے لگے, امت کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگے. کبھی ابو طالب کا جنازہ نکلا بغیر ایمان کے مرے, اور مرتے ہوئے یہی کہا میں وہی پرانے دین پر مرتا ہوں, تو دیکھا کہ ابو طالب بے ایمانی کی موت پر مرتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے, اس انتقال پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں. آپ کی بیٹی صاحبزادی کا انتقال ہوتا ہے, بعض روایتیں آتی ہیں قبر کھود کر خود قبر میں اترے, کبھی روایتیں آتی ہیں کہ قبر کے کنارے بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رونے لگے, بیٹی کی یاد میں رونے لگے. کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ, دیکھا کہ ابراہیم سکرات کی حالت میں ہیں, تڑپ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری ہو گئے. لوگوں نے کہا انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں, تو کہا کہ ہاں میں بھی روتا ہوں. ان العین تدمع والقلب یحزن, اور بے شک آنکھ غمگین ہو آنسو بہاتی ہے, دل غمگین ہوتا ہے, میں بھی روتا ہوں, میرا دل بھی دکھی ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تھی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دعا کی اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں. کن باتوں سے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ مجھے ایسا علم نہ دے جو کسی کام کا نہ ہو. ایسے جیسے کوئی آدمی دن میں 10 بار کھائے پیٹ نہ بھرے,
अरे कितने बड़े बड़े शेख आते हैं, बड़े बड़े मशाइख की अंबार लगा हुआ है, तकरीरें सुनते हैं, वाज़ो नसीहत सुनते हैं, फिर क्या बात है कि हमारी जिंदगियों की डिगर नहीं बदलती, मैं नहीं बदलता, आप नहीं बदलते। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने जो शर्त रखी, लिमन अल्कसमा वो हुआ शहीद, ये नसीहत की बातें उस उन लोगों के लिए हैं जो दिल के कानों से सुनते हों। अल्लाह अकबर, मेरे और आपके प्यारे नबी, अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि अच्छे नौजवानों की जमात है, बुजुर्ग लोगों की जमात है, अहले इल्म, अहले दिल, अहले सरवत की जमात है जो इस्लाम की खिदमत में लगी हुई है। अल्लाह तबारक ताला इनमें और बरकत दे, अल्लाह ताला इन नौजवानों को हमास और जुरअत और शुजात अदा करे, अल्लाह के दीन की गिरत अदा करे। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों को, अल्लाह तबारक ताला उनको और अल्लाह तबारक ताला ऐसे करे कि वो नौजवानों को हिम्मत के लिए दुआ करें, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। दोस्तों अजीजों, मेरे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यन्फा, ऐ अल्लाह मैं से ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ, तेरी पनाह चाहता हूँ जो फायदा ना दे, आदमी सीखे लेकिन फायदा ना दे। वमिन कल्बिन ला यख्शा, ऐसा दिल जो तुझसे न डरे, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा दिल न दे जो निडर हो जाए, तेरा डर ना हो, तेरा खौफ ना हो। और का वमिन वमिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा, ऐ अल्लाह ऐसी दुआ मैं ना करूं जो बारगाह में मकबूल ना हो, या अल्लाह मैं जो भी दुआ करूं तेरे बारगाह में कबूल हो। वमिन आइनिन ला तदमा, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी आंख न दे जो तेरे बारगाह में आंसू न बहाए। अल्लाह अकबर, रहमतुल आलमीन, अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें अल्लाह के रसूल सल्लम पर हो। प्यारे नबी सल्लम ने चार चीजों का जिक्र किया गया, किया ऐसा इल्म जो फायदा न दे, वमिन नफ्सिन ला तश्बा, और ऐसा अनैसा नफ्स जो कभी उसका दिल न भरे। नफ्स अल्लाह ताला क्या क्या नेमतें देता है, फिर भी कहते ये भी हो, वो भी देना, ये भी देना। वो भी नफ्सिन ला तश्बा, ऐसा नफ्स नहीं चाहिए जो कभी उसका दिल ना भरे। हरीस, ये भी चाह रहा है, वो भी चाह रहा है, उसके पास जो वो भी चाह रहा है। वमिन आयन ला तदमा, और ऐसी आंख जो कभी आंसू आंसू जिससे आंसू ना निकले। और का वमिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा, और ऐसी दुआ जो अल्लाह ताला के बारगाह में मकबूल ना हो। दोस्तों अजीजों, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कहते हैं कि सहाबा इकराम उबैद इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, मां आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आते हैं, उम्मुल मुमिनीन के पास आते हैं, कहते हैं एक जमात उनके साथ है सहाबा इकराम की, कहते हैं या उम्मुना, ऐ हमारी माँ, ऐ आयशा रजी अल्लाह अन्हा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लम की ज़ौजा मुतहरा, ऐ हमारी माँ, आज मा अश्शय अल्लज़ी, ऐ माँ सबसे ताज्जुब खैज चीज क्या है जो आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा। यानी लोग सवाल कर रहे हैं माँ आयशा से, ऐ माँ आप बताएं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो आपने सबसे ताज्जुब की चीज देखी वो क्या। फसकत, कुछ देर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा खामोश रही, फिर कहा उदक्युरुकुमुल लैला, मैं वो रात की बात याद करती हूं, मैं वो रात की बात याद करती हूं, अल्लाह के रसूल सल्लम ने मेरा मुझसे कहा या आयशा दरीनी फी हादिहिल लैल आबुदु रब्बी फी हादिहिल लैल, कहा कि आयशा आज की रात मुझे जरा अलग कर दो, मुझे जरा तन्हा छोड़ दो, आज की रात मैं रब की इबादत में बसाना चाहता हूं। दरीनी या आयशा, तो मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लम मैं आपकी रिफाकत चाहती हूं और मैं वो चीज करना चाहती हूं जो आपको खुश कर दे, आपको इसी बात से खुशी है तो चलो आज की रात आप अलग हो जाएं, अल्लाह ताला की इबादत में लग जाएं। फततहर वसल्ला, आपने वजू बनाया, नमाज शुरू की और रोने लगे, हत्ता बल्ला हिजरी, यहां तक रोया कि गोद भीग गई, दाढ़ी भीग गई, और जिस जमीन पर आप सजदा कर रहे हैं जमीन भीग गई। अल्लाह, ये कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है जिसको इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी सहाह में रिवायत किया, हत्ता बल्ला
वो जगह भी गई जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। मेरा सवाल यह है, मेरा दर्द यह है कि आज अगर कोई अपने लोगों की बातों पर रोता है, लोगों ने अपनी अपनी किताबें लिख दी, मलफूजात, इनकी मलफूजात, उनकी मलफूजात, इनकी बातें, उनकी बातें, लोग उसके लिए झूम झूम के पढ़ते हैं, रोते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की किताब और प्यारे नबी की बात पर आपको मुझे रोना क्यों नहीं आता? हमको आना चाहिए। सूफिया नाचते हैं, वजद में आ जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, लेकिन कुरान मजीद पढ़ते हैं तो वो वजद और मस्ती हमको क्यों नहीं आती? अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयनान आयनान ला तमस्सुहुमुन नार, आयनान ला तमस्सुहुमुन नार, दो आंखें ऐसी हैं अल्लाहु अकबर जिनको आग नहीं जलाती, अल्लाहु अकबर, हम दो आंखें ऐसे हैं जिनको आग नहीं जलाती, आयनुन बकत मिन कश्यतिल्लाह अज़्ज़ वजल वआयनुन बातत तहरिसु फी सबीलिल्लाह, ये एक आंख ऐसी है जो अल्लाह ताला की याद में उससे आंसू बह जाए, और दूसरी आंख ऐसी है जो इस्लाम के लिए रात भर जागे, मुसलमानों के ताल्लुक से सोचते हुए, मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए फौजी बनकर, एक मुफक्किर बनकर, मुसलमानों की अच्छाई के लिए अगर आप रात जागते रहें, आज लोग जागते हैं अजीब अजीब अंदाज में जागते हैं, अपने अपने तौर से जागते हैं, कैसे कैसे जागते हैं, हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि आपके लिए इशारे काफी, आप बेहतर समझ सकते हैं। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में फरमाया, वल्लाह कसम खुदा की, आयनुन बकत फीस आयनुन बकत, वो आंख जो अल्लाह ताला की याद में रोए, अल्लाह तबारक तआला उसे जहन्नम में हरगिज नहीं चलाएंगे, हत्ता यऊद अल-लबन फी ज़र, जैसे कि थन से निकला हुआ दूध थन में दोबारा वापस नहीं जाता। अल्लाह की याद में रोने वाला कभी वो आंख जहन्नम में नहीं जलाई जाती। अल्लाह अकबर, हमारी कोशिश हो। मां आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये तो थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत। आपकी बीवी ज़ौजाए मुतहरा उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी बरात सातों आसमान पर से उतरी, सातों आसमान पर से अल्लाह ताला ने कहा कि आफीफा उम्मुल मोमिनीन आफीफा रजी अल्लाह तआला अन्हा पाक दामन हैं, उनकी क्या हालत थी? कहा, उनके भतीजे कहते हैं, कासिम कहते हैं कि मैं सुबह अपने घर से निकलता था तो पहले अपनी अपनी खाला हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाता था, और मैं घर पर पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि अंदर वो नमाज पढ़ रही हैं, सूरह तूर की आयतें तिलावत कर रही हैं, ववकाहुम रब्बुहुम, जिसमें है कि अल्लाह ताला ने अजाब समूम जहन्नम की गर्मी से अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। बहुत देर में खड़ा रहा, पढ़ती रही पढ़ती रही, मैंने कहा कि चलो खड़ते खड़ते पैर दुख गए, जरा हो आता हूं बाहर, और मैं बाहर घूम कर आया तो देखा कि वही हालत है, वही जार कितार रो रही हैं और वही क्याम की हालत में। अल्लाह अकबर, ये औरतें थी, ये औरतें थी जिनको अल्लाह ताला की बारगाह में इतना रोना आता है, कुरान पढ़ती हैं, अल्लाह ताला के बारगाह में रोती हैं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हैं। और आपने देखा कि उस हदीस को हमने नामुकम्मल छोड़ दिया था, वो कहते हैं कि सारी रात रोते रहे, हत्ता यहां तक कि सुबह अजान का वक्त हुआ तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदरेज में हैं, सजदरेज हैं, कहा कि या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लम, आपके सारे गुनाह, आपकी सारी खताएं माफ हैं, लियगफिरकल्लाहु मा तकद्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख्खर, अल्लाह ताला ने कह दिया कि आपकी सारी खताएं लफ्ज़िशें माफ हैं, फिर आपकी यह हालत। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अफला अकून अबदन शकूरा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? और कहा कि आज की रात मेरे ऊपर ये आयतें नाजिल हुई, इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये आयतें नाजिल हुई और मैं आयतें पढ़ता रहा, रोता रहा। दोस्तों अजीजों, हम में से कितने ऐसे हैं जिनको कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना आता है, तर्जुमे के साथ पढ़ने की हमने कोशिश की है। अल्लाह अल्लाह, इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह किले की जेल में कैद हैं, किले की जेल में कैद हैं,
80 پر ایک مرتبہ انہوں نے جیل میں قرآن ختم کیا ہے, اور جب انتقال ہو رہا ہے زبان پر قرآن مجید کی تلاوت ہے, قرآن مجید تلاوت کر رہے ہیں, موت کا فرشتہ آتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا, ترمذی کی حدیث ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی صحت بیان کی ہے, کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا, اے جبریل کیا بات ہے کہ میکائیل کو ہم نے کبھی ہنستے نہیں دیکھا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے کبھی اس فرشتے نے نہیں مسکرایا, اس فرشتے کو ہنسی نہیں آئی. عبداللہ بن شقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہماری مجلس میں آئے, دیکھا کہ ہم ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, واللہ لو تعلمون ما اعلم, قسم خدا کی جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم جان لو, لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ولخرجتم الی السعداء, تم اپنا رونا بند, اپنا ہنسی بند کر دو گے, زیادہ رو گے اور باہر سنیاسی بن کر نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ کی جہنم کی دو گرمی, وہاں کی عذاب, وہاں کی جو چیزیں میں جانتا ہوں. دوستو, عزیزو, پردہ نشین خواتین, ماں اور بہنوں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے. اس سے بھی بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے روتے تھے, وَكَانَ رَجُلًا بَكَّا وَكَانَ رَجُلًا أَسِيفًا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ کی عورتیں جمع ہو جاتی تھیں, ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہماری عورتیں مسلمان نہ ہو جائیں. انہوں نے دباؤ ڈالا کہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو گھر میں بیٹھ کر پڑھو, یہاں باہر نہیں پڑھو گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز میں آیا, میں آخری صف میں تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے, سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام نے جو باتیں کہیں کہ میں اپنا شکوا شکایت اللہ کے بارگاہ میں کرتا ہوں, یہ آیت پر جب پہنچے, ضج المسلمون ضجتاً, وہ رونے لگے, سارے صحابہ رونے لگے, رقت آمیز کیفیت تھی, ہر ایک کے آنسو سے آنسو جاری تھے. کہا کہ میں آخری صف میں تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز مجھ تک آ رہی تھی. یہ پڑھنے والے تھے, یہ سننے والے تھے, یہ اللہ کا کلام تھا, یہ رقت تھی, یہ گناہوں کی کمی تھی. دوستو عزیزو, دنیا کی رنگینیوں نے, دنیا میں زیادہ باقی رہنے کی امید نے ہماری دلوں کو سخت کر دیا ہے. دلوں کو نرم کرنے کی تدبیر کریں, زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دل سے لگائیں. اور سلف کے بارے میں آتا ہے, مالک بن دینار رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے آنسو آتے تھے وہ آنسو کو ایسے پوچھ لیتے تھے, کہتے تھے کہ میں نے سنا ہے کہ جہاں جہاں آنسوؤں کے قطرے پانی لگتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو جہنم میں نہیں جلاتے ہیں, آگ اس جگہ کو نہیں پہنچتی ہے. دوستو عزیزو, پردہ نشین خواتین, ماں اور بہنوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں. اس زمانے میں جہاں دیکھتے دیکھتے لوگ ختم ہو جاتے ہیں, بیماریوں نے ہر طرف اپنے بسیرا کر رکھا ہوا ہے, آدمی اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات اس دن کو یاد کرے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے تولا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اے بندو, کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آؤ گے تو تمہارے اعمال کو بھی تولیں گے, اور جن چیزوں میں تمہارے نام اعمال لکھے جاتے اسے بھی تولیں گے, اور تم کو بھی تولیں گے, تینوں چیزوں کو تولیں گے. دوستو عزیزو, اپنی موت کو یاد کریں, اس دن کو یاد کریں, اور ایسے موقف کو یاد کریں. اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رویا. کبھی صحابہ کرام یرموک کے کبھی جنگ میں تینوں صحابہ شہید ہوئے, زید بن حارثہ, عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن طیال, تینوں صحابہ کی انتقال کی خبر ممبر پر خود وعدے رہے تھے پہنچی, تو
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोने लगे। ये चंद बातें थीं जो हमारे सामने आईं। मैं अल्लाह ताला से इस बात की तौफीक तलब करता हूँ, शायद इनमें से कुछ बातें इस बात का सबब बन जाएँ कि हमारा दिल भी नरम हो जाए, कभी तन्हाई में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, सात आदमियों के बारे में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए के नीचे ये लोग होंगे, तो उसमें से उस आदमी के बारे में कहा वज़करल्लाह खालियन फफादत अयना, इसमें से वो आदमी भी होगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे, तन्हाई में घर के अंधेरे में अल्लाह को याद करे, फफादत अयना, उसके आंखों से आंसू बह जाए, अल्लाह उस आंसुओं की वजह से उसे अल्लाह मैदान महशर की परेशानियों से बचा देंगे, अपने अर्श के साए के नीचे जगा देंगे। ये अल्लाह का वादा है, ये प्यारे नबी के अहादीस मुबारका हैं, ये सलफ अबू बकर और उमर की जिंदगियां हैं रिज़वानुल्लाह अजमईन। अब देखना है कि हम इसे कहाँ तक अपने दिल से लगाते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक दे, अल्लाह ताला जितने हाजिर हैं तमाम को अपने मुकर्रब बंदों में शामिल फरमा दे, अल्लाह ताला जो जो लोग आए हैं हाजिर हैं अपनी अपनी परेशानियाँ अपनी अपनी मुसीबतें लाए हैं, अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उन्हें शफाए कुली नसीब फरमा, या अल्लाह हम में से जो लावलद हैं उन्हें औलाद की नेमतों से मालामाल फरमा, ऐ अल्लाह जो हमारी नाफरमान औलाद से परेशान है या अल्लाह उन औलाद को हिदायत दे दें, या अल्लाह उन्हें अच्छी औलाद बना दे, या अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, हमें हमेशा अपनी इबादत में लगाए रख। آمين صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم ذو الرحيم।